दे सकता, खाने ही तुम्हें पड़ी। अब तुम खाओ ना, कहो डॉक्टर साहब दवाई तो हम 3 महीना से रख रही, पेट ठीक नहीं हो रहा, ठटरी के गई। अरे ठीक तो तभी होगा जब दवा तुम खाओगे, तभी तो दवा असर करेगी। वैसे ही हमने तुम्हें ज्ञान तो दे दिया, ज्ञान को तुम जब तक जीवन में उतारोगे नहीं तब तक इस ज्ञान का रस तुमको प्राप्त नहीं होगा, इस कथा का रस प्राप्त नहीं होगा। तुम जीवन में उतार लोगे तो जैसे दवा के खाने से रोग मिट जाता है, वैसे ज्ञान को जीवन में उतारने से भाव रोग भी मिट जाता है। भाव रोग से बचने की उपाय भी क्या है? अच्छा, केवल भय रोग या भाव रोग से नहीं, और बुरा ना मानना, तुम लोगों को बुरा लगे तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। हम ये भी नहीं कहते कि तुम सुरंग जाओगे, हम तुम्हें ये कहते हैं कि अगर तुम ये कथा सुनोगे हमारी, मानोगे तो तुम यही स्वर्ग पा जाओगे। मरने के बाद स्वर्ग गए कि नरक देखा किसने? कहां गए? ये कार्ड अगर हम दे दें कि तुम स्वर्ग जाओगे, ये पूजा करो, मान लो नरक गए तो क्लेम कौन करेगा? ये प्रश्न उठता कि क्लेम कौन करेगा? इसीलिए हम आदमी उल्टे हैं, हमारे प्रवचन ही उल्टे हैं। हम कहते हैं कि झंझट ही खत्म, ना क्लेम करना है ना करवाना है। हम तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग की बात ही नहीं कर रहे, हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि तुम हनुमान जी की भक्ति करो, बात मानो, तुम्हारा निजी जिंदगी अगर स्वर्ग ना बन जाए तो कहना जीते जी, वरना मरने के बाद तो सब लोग स्वर्गवासी हैं। एक और बड़ी विचित्र बात है, हमें जितने मृत्यु के कार्ड पड़े आज तक सब में लिखा मिला फलाने स्वर्गवास, और स्वर्ग से हमारा उसी दिन भरोसा उठ गया जब एक 3 मर्डर करने वाला भी स्वर्ग गया। उनके पुत्रों ने लिखा रखा था अमुक अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, और हमने जब कार्ड पढ़ा हम भी जब जे भी स्वर्ग गए तो ठीक है, हमें नहीं जाना है। इसलिए हम तुमको मृत्यु के बाद स्वर्ग का कार्ड नहीं पकड़ा है, हम तुम्हें जीते जी स्वर्ग को पाने का कार्ड पकड़ा है, और उसका नाम कुछ और नहीं, तुम रे भजन राम को भजन करोगे तो जन्म जन्म के दुख आपके मिट जाएंगे। क्या हो जाएंगे?